एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है और हे गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस दोपहर के 3:30 हुए हैं और एक बार फिर से हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एक और डे नाइट मैच के लिए। अगर हम दिल्ली के मौसम की बात करें तो आज दोपहर में धूप बहुत ही शानदार तरीके से खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, रात में फॉग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि आज देखते हैं किस तरीके से ये मैच घटता है फॉगी नाइट में। Hey guys, welcome to the ground for another day night match. Yes guys, शायान की एंट्री हो चुकी है एक बार फिर से एक और डे नाइट मैच के लिए। बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, ग्राउंड पे धूप खिली हुई और यहाँ पे अभी फिलहाल एक और मैच चल रहा है। शायान बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक बार फिर से मैच से पहले नेट सेशंस के लिए। शायान बिल्कुल तैयार क्रिकेट वंडर्स इंडिया के क्रिकेट गियर्स में। गाइज आज मैं बात करने वाला हूं इस शानदार येलो ग्लव्स के बारे में। शायान आजकल इसी ग्लव्स के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, आपने पिछले दिनों देखा ही होगा। अगर आप भी ये शानदार क्रिकेट बैटिंग ग्लव्स मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट वंडर्स इंडिया का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप अपने 4 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये शानदार बैटिंग ग्लव्स और बाकी क्रिकेट गियर्स मंगवा सकते हैं। शायान का नेट सेशंस भी ओवर हो चुका है और अब शायान को बधाई देने की बारी है। शायान ने अपने पिछले लगातार 2 मैचों में पहले 100 विकेट का जो माइलस्टोन था उसको पूरा किया और उसके बाद शायान ने अपने पिछले ही मैच में 5000 रन मुकम्मल कर लिया है। बिग हैंड फॉर शायान, वेल प्लेड शायान एंड कीप इट अप। मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं, पिच के ऊपर मार्किंग का काम भी शुरू हो गया है। शायान अपनी टीम के साथ वार्म अप सेशंस में जुट गए हैं, थोड़ी देर में मैच का आगाज होने वाला है। आज एक बार फिर से क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 और केपीएस के बीच अंडर-14 मैच खेला जाना है। सिक्का उछाल दिया गया है और विपक्षी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच गए हैं। मैच बॉल बिल्कुल तैयार, आहान करेंगे आज गेंदबाजी की शुरुआत। फील्डर्स चारों ओर फैल चुके हैं। इशारा हुआ आहान अपनी और इनिंग्स की पहली बॉल लेकर और ये इनसाइड एज लगी, हालांकि रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस तरीके से डॉट बॉल से मैच की शुरुआत हो गई है। फ्लड लाइट्स जला दी गई हैं और बहुत ही शानदार अंडर 14 मैच यहां पे खेला जा रहा है। शायान के लिए मैच नंबर 168। 13 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 62 रनों के कुल योग पे 4 विकेटें गिर चुकी है विपक्षी टीम की और अब शायान गेंदबाजी की कमान संभालने आ गए हैं। शायान पहली गेंद लेकर अपने पहले ओवर की और इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है। डॉट बॉल से शुरुआत किया है शायान ने अपने स्पेल का। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, बल्लेबाज तैयार और ये खड़ी हो गई थी बॉल, फील्डर पहुंच नहीं पाए और बाल बाल बचे बल्लेबाज, मौका बन गया था दूसरी गेंद पे। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, बल्लेबाज तैयार और ये अच्छी गेंद और ये स्टंपिंग का चांस बन गया ऐसा लगता है, कीपर काफी एक्साइटेड, अंपायर ने नकारा। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और इसको सीधा खेला है और ये 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। इसके साथ ही शायान के पहले ओवर का खात्मा हो गया है, 5 रन खर्च किए। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, पहली गेंद और सीधा और ये शानदार शॉट, कवर्स और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार। तीसरी गेंद लेकर शायान एक बार फिर से अपने पहले ओवर की और ये एक और अच्छी गेंद और पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को।
चौथी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, बल्लेबाज तैयार और ये अच्छी गेंद डॉट बॉल। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, एक बार फिर से बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया है कवर्स की दिशा में, एक और डॉट बॉल और इसके साथ ही शायान के दो ओवर का खात्मा हो गए हैं। 12 रन खर्च किए, कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे, हालांकि एक मौका जरूर बनाया था। 29 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 180 रन स्कोर कर लिए विपक्षी टीम ने 6 विकेटों के नुकसान पे और अब आखिरी ओवर लेकर आ गए हैं गेंदबाज। पहली गेंद और यह शानदार शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी दो गेंदें बची हैं इस इनिंग्स में, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और इसको फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया, रन की गुंजाइश नहीं। इसके साथ ही 185 रन स्कोर हो गए हैं। आखिरी गेंद इनिंग्स की, बल्लेबाज तैयार और इसको खेल दिया है स्ट्रेट ड्राइव, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा और इसके साथ ही रन आउट, एक और रन का इजाफा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और सक्षम 193 रनों का पीछा करने के लिए निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच। मैच बॉल बिल्कुल तैयार, मानस करेंगे दूसरी इनिंग्स के बॉलिंग की शुरुआत। अंपायर का इशारा हुआ, मानस अपने और दूसरे इनिंग्स की पहली गेंद लेकर, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और यह अच्छी गेंद डॉट बॉल से शुरुआत हुई है दूसरे इनिंग्स की। दूसरे ओवर की शुरुआत होने वाली है स्पिन गेंदबाजी से और शायान आ गए हैं मैदान के बीचों बीच गार्ड्स लेते हुए। शायान के लिए मैच नंबर 168 अंडर 14 मैच। पहली गेंद लेकर स्पिन गेंदबाज अपने पहले ओवर की और इसको सीधा खेल दिया, फॉलो थ्रू में फील्ड की गई बॉल, रन की गुंजाइश नहीं। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद हैं और इसके साथ ही शायान ने अपना खाता खोल लिया है। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है और हाथों से रन चुड़ा लिया था, रन आउट हो गए शायान। बहुत ही शानदार अंडर 14 का ये डे नाइट मैच चल रहा है इस वक्त और शानदार बल्लेबाजी चल रही है और ये इसी बीच एक और शानदार चौका, इसके साथ ही 146 रन स्कोर कर लिए हैं क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 7 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 47 रनों की दरकार है और सिर्फ 3 विकेटें हाथ में हैं। 52 बॉल्स रिमेनिंग एंड 47 रन टू विन। इसी बीच एक बार फिर से अगली गेंद और यह शानदार शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से और ये एक और शानदार शॉट, एक और चौका, लगातार तीसरा चौका। ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से और इसको खेलते ही भाग लिया है, बहुत ही उम्दा और चालाकी से ये इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं अर्नब और इसके साथ ही 76 रनों पे पहुंच गए हैं और अब क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 को इस मैच को जीतने के लिए 34 रनों की दरकार है 48 बॉल्स में। 23.3 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 174 रन स्कोर कर लिए हैं क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 7 विकेटों के नुकसान पे। अर्नब 90 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस मैच को जीतने के लिए 19 रनों की दरकार है और अर्नब को 10 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए और एक शानदार चौका इसको एलेक बाउंड्री के बाहर। 12 रनों की दरकार है अब इस मैच को जीतने के लिए और इसके साथ ही एक बार फिर से कवर्स की दिशा में खेल के एक और रन मुकम्मल कर लिया अर्नब ने। इसके साथ ही 99 रनों पे पहुंच गए हैं अर्नब और इस मैच को जीतने के लिए अब 10 रनों की दरकार है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 को। 35 बॉल्स में अब 10 रनों की दरकार है, इसको खेल दिया है ऑन साइड पे और ऑफ साइड पे इनफैक्ट और इसके साथ ही अर्नब ने अपना सेंचुरी मुकम्मल कर लिया। वेल प्लेड अर्नब। 13 बॉल्स रिमेनिंग, 8 रन टू विन और ये शानदार छक्का आउट ऑफ द पार्क, लाजवाब बल्लेबाजी। अब सिर्फ 2 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से, 2 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए और ये शानदार शॉट, शानदार चौका, इसके साथ ही शानदार जीत क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 की। उम्दा बल्लेबाजी,
एक तरफ से जहां विकेटें लगातार गिर रही थी, दूसरी तरफ से अर्नब ने संभाले रखा अपनी इनिंग्स को और अपनी टीम की इनिंग्स को, और लाजवाब जीत दिलाकर ही वापस आए। मैच का खात्मा हो चुका है और शायान एक बार फिर से घर की ओर निकल चुके हैं। शानदार जीत मिली है आज 3 विकेटों से क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 को। हालांकि शायान आज ना ही बॉलिंग में और ना ही बैटिंग में कुछ कमाल दिखा पाए, और बॉलिंग पहले 2 ओवर की जिसमें 12 रन खर्च किए मिला जुला के ठीक था, बट बल्लेबाजी की अगर बात करें तो आज जल्दबाजी कर बैठे, सिर्फ 1 रन बनाकर खेल रहे थे और दूसरा रन चुराने के चक्कर में हाथों से रन आउट हो बैठे। क्या सोचते हो आज के मैच के बारे में शायान? आज जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मेरी गलती थी और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलती ना करूं। ओके, बेस्ट विशेस आपको आगे के मैचों के लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसे मिसकैलकुलेशन। तो गाइस, आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दे, और अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।